आउटर लेयर जो है वो साफ कर रही है नहीं और अच्छे से इन निगरानी के लिए मैं इस पर वाइपर मार के बढ़िया अच्छे से करता हूँ। अब सर्विस सेटिंग और अच्छे से कर इधर आ जाइए। हाँ साबुन लगाइए और अच्छे से साबुन बाबा साबुन बाबा साबुन वाले आउटर लेयर पे भी साबुन लगना है बाबा मटके वाले अंदर भी अंदर बात का बाबा मटके वाले ये अच्छे से कर लीजिए नल इसका नल टूटी ये अंदर से ब्रश ले ब्रश किससे मंगाया आपने यूनुस से तो यूनुस तो खड़ा है कौन सा ब्रश एक अंदर ब्रश रखा है यहाँ एक रखा है किचन में देख के जहाँ जहाँ कुछ गंदा लगा हो ब्रश में थोड़ा सा साबुन लगाइए और टोटी साफ करिए अच्छे से अभी रुक तो जाओ यार। हाँ लो करो टोटी साबुन लगा करो टोटी टोटी अच्छे से चारों तरफ करें नीचे तक जहाँ उसका मुंह है वहीं से तो पानी निकलेगा अच्छे से साफ करना भैया साबुन वाबुन है टाइम लगेगा कम से कम 5 बार इसको करना पड़ेगा 5 टाइम अच्छी तरीके से जूने से हो रहा है। यूनुस की भी टास्क हम लोग मिलके करवा देंगे है ना यूनुस अरे सबको आधा आधा घंटा करना है बरांडा तो हो गया है क्योंकि ये मटका जो था ये हमारे एरिया में हमारे जो रिजेक्शन में जो काम ना करना हो वो ला के यहीं रख दो हम अल्टीमेटली फंसेंगे कैसे यूनुस टीवी तो उतार के यहाँ नहीं रख सकता है ना यूनुस यूनुस ऐसे कैसे सब कुछ यहाँ ला के रख दो है ना जो कूड़ा होगा वही तो मिलेगा इनको जैसे सिम्बा है आके यहाँ पोटी करेगा तो मुझे धुलना पड़ेगा कटारिया करेगा तब भी धुलना पड़ेगा मैं ऐसा करूंगा कि इन लोगों के शौचालय बनवाऊंगा अब धो लो रुक जाओ भी तभी तो पता चलेगा कितना साफ हुआ अभी कहाँ पता चल रहा है इनके पोटी बाहर फेंकने में बदबू पता हो कितनी आती है आपने तो फेंकी ना बहुत आती है भैया सांस नहीं ले पाता हूँ मैं हाँ इसलिए तुम प्यार करते हो पोटी नहीं उठाते हो दोनों पीस है लेकिन यार करूंगा पोटी नहीं उठाऊंगा हाँ यार सांस नहीं आती बताओ इसको धो के रखिए जो ब्रश आपने यूज किया इसको धो के रखिए वहीं आइए चीज को जहाँ से उठाते हैं वहीं धो लो ना अलग यार लगाया तो पूरा एकदम मेरा मुंह जहाँ पे ब्रश धो जहाँ से सामान उठाते हैं वहीं पे रखते हैं अच्छा खासा साफ हो गया ये तो एक बार और धो लो बस बुआ वो सारे ले जाना यहीं से ले लो कोई तो बुआ को पन्नी दे बुआ को पन्नी कौन से ले सामान क्यों देखो यहाँ कोई रखी किचन में रखी हो कोई एक बार और देखिए क्या होता है दोस्त जब किसी घड़ा बनाता है सॉरी धोता है बस धोने में इतना हालत खराब हो गई और बनाना पड़ता था पूजा करी सीखूंगा
क्या होती है? ये अलग बात कि मैं छोड़ चुका पूजा घर। देखो तो उस पानी को, अभी मैंने फेंका, आप देख ही नहीं रहे घर, पता नहीं क्या ध्यान में फेंकी है, आपको ध्यान ही नहीं है। चलिए अब बंद करिए ऊपर से पानी को, थोड़ा सा एक बार जूना लगा लीजिए। एक जूना लग चुका है, अब पानी लगेगा। बस इसको बंद करिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा। फोन वेस्ट कर रहा है, कम पानी में काम करिए। अरे तुम अपने रोज ले आओ वहाँ पे, रोज रखे वो भी धो लेते हैं। कौन से रोज? तुम्हारा भी टास्क हो जाएगा, वहाँ रखे हैं टीवी के नीचे। वो देखिए वो लीक हो रहा है वहाँ से। क्या वो पानी? बस धरा तो नहीं लीक हो रहा वो वहाँ वहाँ उतर गिर गया पाइप में। तो क्या गिर? अरे यार पाइप में किसने गिरा? घड़ा लीक हो रहा है क्या? नहीं इसको कह रहे हो? ये हाँ तो ये पाइप से तो गिर रहा है पानी। हाँ पाइप से गिर रहा। तो मैंने गलत क्या बोला? हटिए मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे छोटे मियाँ, छोटे मियाँ। हाँ एक कपड़ा रखा है उसको भी तो धोलाओ, उसमें रखा है टेबल पे जाना नीचे। कौन से टेबल पे? जिसपे हम लोग खाना खाते हैं उसके नीचे एक वाइट वाइट कपड़ा है, उसे धो लीजिए, फिर आपका भी तो पास करना है। चलिए अब जूना नहीं लगाओगे? लगा दिए। एक लगा दिया। अरे जूना धो पहले, अरे गंदा जूना धो के सब ले लिया कूड़ा। अब केले भी उठा लो वहां से। जाइए सब ले लिए। पानी बंद करो, डोंट वेस्ट वाटर। चलो बस एक बार और जल्दी से लगा लो, खत्म करो। इतना क्या सोच रहे हो उसमें? बस बस अरे 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 दिन निकल गया। तुमने क्यों लगवाया दूसरी बार? अब थोड़ी जल्दी हो सकता है, दूसरी बार आपने लगवाया तो कोई लगता भी तो तुम कहते पांच बार लगाऊंगा। नहीं नहीं पांच बार में धुलता, एक बार जूना करके आसान थोड़ी होता है इसका वो निकालना। अच्छा चलो काहिली तो जिंदाबाद। बस बाहर भी लगा लो एक बार। बाहर हो चुका। चलो कहना तुम्हारे कहने से लगा। नीचे देखो, नीचे नहीं धुला होगा, बहुत धुल गया है देखो। चलो हड़ा धो, अब धो बस बस। पानी फेंको फेंको पहले फेंको, उससे कोई फायदा नहीं होगा, कितना भी डाल करो। बस हो गया, बंद कर दूं। मेरा तो नहीं करता है साफ करने के लिए। आओ पानी भरते हैं घड़े में, टूटी भी अच्छे से पानी घड़े में भर गो पानी। याद आएगी कौन सा नानी? घड़े को धोकर हमें याद आ गई नानी। चलो अब इसमें भरते हैं पानी। साफ हो गया भाई, पानी कैसा आ रहा है? नीचे से अपसाइड डाउन करो, उल्टा करो। हाँ टोटी टोटी बहुत अच्छे से धुल गया है ये। एक बार इसको रिंस करेंगे आरो वाटर में, और फिर आरो वाटर को इसमें इंक्यूबेट होने रख देंगे 8 घंटे, और ये पानी हमारा रेडी हो जाएगा।
ऑल द रिक्वायर्ड मिनरल्स। आ जाइए शाबाश, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ टोटे को बंद कर दी, टोटे को बंद कर दी, वरना अगर इतना पानी पी लिया आपके कारण लाइए टोटे बंद कर दो, टोटे हो गए बंद। अरे यार ये चीज तो मुझे पता नहीं थी, मेरे भाई ने बता दी। हाँ शुक्रिया। टोटे हो गई बंद, उससे अब नहीं निकलेगा गंद। नहीं टोटे हो गई बंद, अब नहीं रहेगा इसमें गंद। मटका भर के स्टैंड में लगा दो, या मटके को लगा दो स्टैंड में, एक एक बोतल से भर के नहीं, वो लंदी होगा छोड़।